Morning, sir. Morning. Please, allow me. पता नहीं कैसे जैम हो गया. अभी तो खोला था मैंने, आराम से खुल गया था. अभी थैंक यू सो मच. थैंक्स अटन. प्रिया, अगर रजत ने तुम्हारी काफी मदद कर ली हो तो ब्रेकफास्ट खत्म करें. पीहू स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे. हाँ बस मैं जल्दी से आटा लगा के पीहू के लिए पराठा बना देती हूँ. सब आप भी बैठिए ना ब्रेकफास्ट के लिए. मैं आपके लिए अच्छा सालू का पराठा बनाती हूँ और चाय भी. सिर्फ चाय मेरे लिए? हाँ हाँ बैठना, चाय पीते. चौंक करके आओ, क्योंकि आलू पराठा समाधान टाइम. ठीक है. तू यहाँ इस वक्त क्यों नहीं आ सकता? नहीं यार, ऑफ कोर्स आ सकता है. थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था तो थोड़ा रास्क, बट अच्छा है, इट्स गुड. और तू यहाँ कैसे? वो भी ये जॉगिंग के कपड़ों? हाँ यार, तू जानता है कि मेरी मॉर्निंग गुड नहीं हो सकती जॉगिंग के बगैर. तो जॉगर्स ट्रैक था, थोड़ा जॉग खत्म किया. थॉट मैं यहाँ पर आके पीहू और प्रिया को हाय बोल दूँ. पीहू से बहुत दिनों से मिला भी नहीं था तो बस आ गया. तो तू अक्सर ऐसे यहाँ आता रहता है जॉगिंग करते वक्त? हाँ, जॉगिंग ट्रैक पास में है, प्लस सर्विस अपार्टमेंट यहाँ से दूर नहीं है तो कभी कभी. अच्छा है, गुड गुड. यस ब्यूटीफुल. इम्पोर्टेंट काम है पीयू को. इम्पोर्टेंट काम है पीयू का? काम सबसे इम्पोर्टेंट है. बताओ रजत अंकल. रजत अंकल, आपने मुझे कैडी दी थी ना? बिल्कुल. पर मेरे पास तो टेडीज हैं, हैप्पी टाइगर, और हमने इसका नाम अभी तक नहीं रखा है. अरे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है. इसका नाम क्या रखें हम? गुड क्वेश्चन पीयू, लेट मी थिंक आल्सो. एक मिनट, तूने पीयू को टेडी बेयर कर दिया? उस दिन हाउस वार्मिंग पे यार, पीयू की एडमिशन की खुशी में द लिटिल प्रिंसेस गॉट अ टेडी बेयर. रजत अंकल बताओ ना. लेट्स हैव अ लुक एट हिम फर्स्ट. टेडी आपकी तरह स्वीट है, आपकी तरह क्यूट है. हाउ अबाउट वी नेम हिम क्यूटी? द नाइस नेम. मम्मा जल्दी लाओ ना पराठा. ला रही हूँ, एक मिनट. ये लो आपका बेबी पराठा. सर आपकी चाय. थैंक यू. आई थिंक हमें चलना चाहिए, यू नो पीयू को लेट हो जाएगा स्कूल के लिए. रजत, क्यों ना मैं तुझे ड्रॉप कर लूँ? अब तू जॉगिंग करते करते तो घर नहीं जाएगा ना. आई ड्रॉप. श्योर या लेट्स गो. अरे रजत सर को चाय तो पीने दीजिए. हाँ चाय. तू तू चाय पी ले. एक काम करते हैं, मैं यहाँ वेट करता हूँ. आफ्टर दैट आई विल ड्रॉप यू. पीहू थोड़ी सी लेट हो जाएगी तो दैट्स ओके, तू पी ले. पी ले. नहीं यार, वेट क्यों करेगा तू? प्रिया मैं चाय कभी और पी लूंगा. थैंक यू सर. ओह गुड ओके. तो आई थिंक चलते हैं. प्रिया तुम पीहू को ड्रॉप कर लोगी स्कूल? तो मैं रजत को अभी के अभी ड्रॉप कर देता. हां मैं ड्रॉप कर दूंगी पीहू को. वेरी गुड. चलिए या असली. बाय सर. जल्दी फिनिश करो, देर हो रही है. वाह ओए वाह. ओए आज तक समझ नहीं आया कि लोग दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स क्यों कहते हैं. ओए इसे तो फेस्टिवल ऑफ मठियाई कहना चाहिए. नहीं गोपाल, मुझे एक ग्लास बीटरूट जूस दो. ओए राम पुत्र, तबीयत तो ठीक है तेरी? तो ये तू उल्टे सीधे जूस पी रहा है भाई, क्या बात है? हाँ मामा जी, बस बीटरूट जूस पीने का मन कर रहा है. वो दिल तो बच्चा होता है. बोले मिठाई खा.
खास मथुरा से मंगाई है तेरी दादी ने तेरे लिए। वैसे भी तुझे मिठाई पसंद है, शौकीन है तू। वो क्या कहते हैं तेरे वो मीठे दांत हैं अंग्रेजी में, स्वीट टीथ। नहीं मामा जी, मुझे नहीं चाहिए। क्या हो गया? मैं थोड़ा कॉन्शियस होना चाहता हूँ, थोड़ा कंट्रोल तो होना चाहिए ना। I mean, it's a good thing. तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कैलोरीज वैलोरीज के बारे में थोड़ा कॉन्शियस हो जाऊं और बस। थैंक यू। और राम और कंट्रोल मीठे को ना कह रहा है, वो मथुरा के पेड़े को, वो जरूर कोई बात है। मुंह कड़वा हो गया तो ये मिठाई खा ले। मामा जी मैंने कहा है ना आपको, मुझे नहीं चाहिए मिठाई। आपने रजत को नहीं देखा है कितना फिट है वो, मैं भी वैसा होना चाहता हूँ। अच्छा रजत, अपना रजत, कुमार का दिखता है क्या है बॉडी शॉडी उसकी? हाँ और मैंने तो देखा है लड़कियां ही नहीं लड़के भी मरते हैं उस पे। हाँ और मैं तो था ना दुबई में, वो तो देखता था सुबह शाम, सुबह जॉगिंग पे जाता था, शाम को दंड फेलता था। और ट्रेनर शेनर आते थे तो शाम को 7 बजे के पहले ही खाना खा लेता था, और बड़ी डिसिप्लिन लाइफ थी उसकी। वो इसीलिए तो वो फिट फाट दिखता है, हाँ कमाल का दिखता है। क्या ये गिफ्ट्स? गिफ्ट्स क्यों? कोई गिफ्ट क्यों लेता है? किसी को देने के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा चेक दिस आउट, आई गॉट सम नाइस स्टोल्स। दिस इज रियली नाइस। ये ब्लैक तुम्हें पसंद है ना? या हाउ डू यू नो? आई नो एवरीथिंग। अच्छा जो पसंद है यहाँ रख दो। एंड सो आई ऑल्सो हैव सम वुडन बैंगल्स, इंटरेस्टिंग, आई लाइक दीज neck pieces. Ooh. Wow, Rahul, you have a choice. Yeah. Yeah. Yeh not happening, huh? Very sharp. But it's sweet, huh? Tumhe sab mein meri suggestion le rahe ho. What are friends for, huh? And anyways, don't waste time. Let's just get done with this. Okay. This in the stole, this in the neck piece, and oi golu, sorry dad, boli tu itna kya gehri soch mein pada hai jo tujhe pata hi nahi hai ki main tere samne baithi hu. sorry dadi, mera dhyan kahin aur tha. Main ek बहुत इम्पोर्टेंट डील के बारे में सोच रहा था. वो रजत और मैं दुबई में एक बड़ी डील कर रहे थे, उसके बारे में सोच रहा था. वैसे दादी एक बात बताइए, आपको मेरा मतलब आपको रजत कैसा लगता है? अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है. नहीं मेरा मतलब आपके हिसाब से, मतलब जनरली स्पीकिंग औरतों के नजरिए से रजत दिखने में कैसा है? मतलब ओके ना, ठीक है ना? वो तो इतना सोना मुंडा है, तूने उसके नए नक्श देखे क्या? ना स्मार्ट ना हैंडसम, और कितना सॉफ्ट स्पोकन है. अरे वो तो एकदम फिट है. वो तो हमारे पंजाब के कबरू जवान मुंडा जैसे है. I mean, fit and fabulous का पूल हुआ ना, वो तो टॉप कर ही लेगा. वो तो हमें ना धर्मेंद्र की याद दिला देता है. He looks fresh and young and dashing भी लगता है. कोई भी लड़की उसको देखते ही पड़ जाएगी.
बस 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 जीसस क्राइस्ट गोपाल आई वांट टू टेल यू राइट नाउ तो तुम्हें ये सब पसंद है राइट हाँ वेल ओके अच्छा तो काव्स हो गए ये नेक पीसेस भी मैं यहाँ रख लेता हूँ ये यहाँ रख लेता हूँ आई थिंक यू शुड रैप देम नाउ विच वन सिल्वर ऑफ कोर्स कूल आई विल गो फॉर गोल्ड देन व्हाट अरे वो क्या है ना तुम दोनों की चॉइस एकदम डिफरेंट है अब तुम्हें सिल्वर चाहिए आई एम श्योर शी लाइक द गोल्ड शी अरे तुम्हें बताना ही भूल गया तान्या मेरे कॉलेज की फ्रेंड है एंड एक्चुअली वी गुड द सेम इकोनॉमिक्स क्लास एन एब्सोल्यूट स्टनर अ परफेक्ट एन एक्चुअली क्या है ना मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था लेकिन भाव ही नहीं देती थी बट यू नो रिसेंटली शी लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड और बस मैंने चांस ले लिया पहले नंबर और उसके बाद कॉफ़ी सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर कॉफ़ी डेट पर जा ही रहा हूँ तो आई शुड टेक सम गिफ्ट्स यू नो बस डिसाइड नहीं कर पा रहा था व्हाट टू टेक एंड देयर यू आर टू माय रेस्क्यू एक्चुअली तुम दोनों की चॉइस कम्प्लीटली डिफरेंट है सो आई नो जो सब तुमने रिजेक्ट किया है मैंने वही सिलेक्ट किया है शील टोटली लव इट वेरी स्मार्ट है राहुल आई मस्ट से नाउ आई जस्ट होप कि तुम्हारी फ्रेंड को मेरे रिजेक्टेड गिफ्ट्स पसंद है ऑल द बेस्ट विद दैट मैंने काउंटर पे कुछ छोड़ दिया है आई विल जस्ट अरे ओके हेलो प्रिंसेस कैसे हो आप स्कूल में मजे आए कि नहीं हाँ बहुत मजा आया आज हमारे स्कूल में प्लैनेट्स के बारे में सिखाया ओह तब तो आज रात को आप मामा को सारे प्लैनेट्स के नाम बताना मामा को नहीं आते ओके ओके पापा कहाँ हैं पापा को ना आज ऑफिस में बहुत काम है इसलिए वो आपको लेने के लिए नहीं आ पाए कल मिलना उनसे ओके मामा ऑफिस मतलब जैसे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल होता है ना वैसे बड़ों के लिए ऑफिस होता है वहाँ पे वो लोग काम करते हैं जैसे आप अपने बेंच पे बैठ के क्लास वर्क करते हो ना वैसे ही बड़े लोग ऑफिस में बैठ के मतलब उनकी टेबल चेयर्स वगैरह सब होती हैं कैबिन होता है वहाँ पे बैठ के अपना काम करते हैं मम्मा मैंने ऑफिस कभी नहीं देखी है मुझे पापा के ऑफिस जाना है अरे बेबी पापा आज बहुत बिजी हैं वरना आपको लेने यहीं आ जाते ना हम उनका ऑफिस फिर कभी देख लेंगे ओके मम्मा प्लीज प्लीज आज मुझे पापा का ऑफिस जाना है प्लीज प्लीज पीहू प्लीज बच्चे जिद नहीं करते ना मम्मा तो जिद नहीं कर रही मैं तो प्लीज बोल रही हूँ ना ये आपकी प्लीज ही तो आपकी सबसे बड़ी जिद है मम्मा प्लीज 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 ओके 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 क्वाइट मम्मा पापा को फोन करके पूछती है अगर पापा बोलते हैं आ जाओ तब जाएंगे वरना फिर कभी जाएंगे ओके ओके हाँ प्रिया बोलो हाँ वो आप ऑफिस में है क्या क्यों नहीं वो मैं पीहू को लेने स्कूल आई थी तो वो जिद कर रही है कि उसने कभी कोई ऑफिस नहीं देखा और उसे आपको ऑफिस देखना है मतलब उसे आपको काम करते हुए देखना है तो आई वाज वंडरिंग इफ वी कैन कम हां क्यों नहीं वो मेरी बेटी है वो जरूर मेरे ऑफिस आ सकती है शी शुड सी कि मैं कहां काम करता हूं लेकिन इस वक्त मैं ऑफिस से बाहर हूं कुछ जरूरी काम से थोड़ी देर बाद मैं ऑफिस पहुंचूंगा हां हम लोग भी अभी स्कूल से निकलेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूं हां ठीक है तो मैं जरा जल्दी से अपना काम खत्म करता हूं आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क बाय चलो अरे ओ मैं तेरे ऑफिस जाने वाला था लेकिन खबर आई कि तू ऑफिस नहीं गया है अब तेरे घर आया हूँ मैं और दिन के बीच में तू ऐसे लेटा हुआ है व्हाट्स रॉन्ग क्या हुआ अरे कुछ नहीं यार बस हल्की सी पेन है बैक में मसल पुल कर ली दैट्स इट क्यों क्या हुआ अरे मेरा छोड़ तुझे हुआ क्या है ये क्या हालत बना रखी है तूने मैं पहले एक्सरसाइज भी तो करता था ना बस ये है कि थोड़े दिनों से की नहीं तो बॉडी थोड़ी स्टिफ थी ऊपर से ना वो मैं थोड़े ज्यादा ही जोश में आ गया वार्म अप भी नहीं किया तो बस हल्का सा स्प्रेन है यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एक्सरसाइज तूने एक्सरसाइज शुरू कर ली अरे तुझे एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है मतलब ये ऑल ऑफ अ सडन अबे फिटनेस इंपॉर्टेंट है या नहीं और अब तू और मैं जवान तो हो नहीं रहे
वी आर एजिंग यार, तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना, वी नीड टू बी फिट। अबे ओ हेल्थ मैगजीन की छठी औलाद, असली रीजन बताना। रियल रीजन क्या बताऊं यार? मतलब ये कि नेहा यहाँ पर आई हुई है और उसको दिखाने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है यहाँ की ना? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस थोड़ा बस स्ट्रेन हो गया तो नेहा बच्चों के लिए रुक गई। ये फालतू मत बोला कर। चलो वो भी कारण है, रुकी तो सही, अच्छी बात है। गुड गुड गुड। अच्छा आप बता, तू यहाँ आए? एक बात बता रजत से तू मिल चुका है, तू जानता है उसे? रजत से? हाँ यार एक दो बार मिला हूँ, लेकिन तो उसके बारे में क्या सोचता है? I mean, what kind of guy do you think he is? मतलब he is intelligent, good looking, smart है, he's a suave man and काफी अच्छी business sense है उसकी, so yeah, he's good. हाँ ठीक है आगे बोल। अरे मैं जानता क्या हूँ, तू पूछ क्या रहा है यार? आगे मतलब आगे बोल ना। अरे तू आगे बताता जा। He's good यार, हर तरीके से अच्छा है। और हाँ राहुल मुझे बता रहा था कि one thing which is very unique, और मैंने भी notice किया, he's very fit यार। I mean what I've heard, वो रोज exercise करता है, daily jog, diet control and he's very particular अपनी fitness के बारे में यार। देख क्या well maintained किया हुआ है अपने आप को। I think तेरे को और मेरे को ना inspired होना चाहिए उसे, मानना पड़ेगा। मानना तो पड़ेगा। ये इसका आंसर है क्या? हाँ यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं आएगा ये। देख विक्रम कितनी देर से यहाँ बैठे हुए हो, बैक को स्ट्रेन क्यों कर रहे हो, जाओ जाके लेट जाओ। अरे यार इतनी मुश्किल से तो छुट्टी ली है, बच्चे घर में, तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे गुड टाइम ना, सबके साथ बैठा हूँ यहाँ पे, अंदर अकेले लेट के क्या करूँगा, I'm fine. कॉफी मिलेगी? हाँ। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है कि अब मेरी लाइफ में कोई है जो मुझे मैनर्स पे लेसन देता है, तो आई थॉट कि मैं आपके एक ग्रेट हस्बैंड को उनकी ग्रेटनेस के लिए थैंक्स बोल दूँ। एंड चीज़ें भी लाया हूँ, डैमेज कंट्रोल। आई डोंट बिलीव यू। ऑल आई कैन डू इज ट्राई। क्या मैं अब आपके घर पे आ सकता हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नेहा ना आओ ना अंदर। ए हाय गाइस। रेहान भैया तबीयत कैसी है तुम्हारी? ऑल गुड। बैठो। पता है हम आपको फोन करने वाले थे पर आपने तो नंबर ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज ले लेना। And you know what guys, I've got something for you. ये क्या है? ये पटाखे हैं। अभी दिवाली आ रही है तो I thought Sammy और रिधिमा के लिए कुछ ले आओ। Wow, crackers! पटाखे? और वो भी eco-friendly? That's so cool! एक मिनट guys. ऐसे नहीं हम ले सकते। देखो दिवाली में अभी टाइम है, हम ये पटाखे नहीं ले सकते। Thank you but no thank you. रेहान इतने प्यार से बच्चों के लिए कुछ लाया तो कब? हाय। वाव पापा आपका ऑफिस तो कितना बड़ा है, यहाँ पे बैठ जाओ। जरूर जरूर बैठो बैठो।
हेड्स तो तू प्रिया से प्यार करता है, टेल्स तो नहीं करेगा? It's heads. I know, but क्या? ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ मिस्टर कपूर क्योंकि आई लव यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।